हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 17। होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन दिस पोयम, रिमेंबर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। बेटा, जैसा आपको हर स्टोरी में एक मैसेज या कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है आजकल, है ना, तो इफ़ यू लाइक द मैसेज, आज भी हम एक ऐसी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर रही है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। आपको इस मैसेज को फॉलो भी करना है और दूसरों तक भी पहुँचाना है। इट इज़ अबाउट रिसाइकलिंग अवर ट्रैश। जो हमारा डस्टबिन में हम फेंकते हैं बेटा, सब्जियों के छिलके हैं, पानी की बॉटल्स हैं, कैंस है, प्लास्टिक्स है, उसको हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। थ्रो योर वेस्ट इन द गार्बेज बिन। इधर उधर सड़कों पे हमें नहीं फैला के उसको गार्बेज डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ ए सॉन्ग अबाउट recycling. Save your papers, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save your bottles, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save your plastics, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save your cans, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. बेटा, ये पोयम हमसे क्या कह रही है? Save your papers, अपने पेपर्स को सेव कीजिए। पता है क्यों? आपको पता है पेपर्स कैसे बनते हैं? पेपर बनाने के लिए हमें ट्रीज को काटना पड़ता है, और जो कि क्या होते हैं, हमारे अर्थ का सबसे बड़ा रक्षक होते हैं ना। ट्रीज कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी अर्थ के लिए, हमारे लिविंग के लिए, है ना। एक पेड़ काटने से हमें कितना नुकसान होता है आप सब बच्चे जानते हैं। एक टन पेपर बनाने के लिए हमें बेटा अप्रॉक्सीमेटली 18-20 पेड़ काटने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो पेपर वेस्ट कर देते हैं तो उससे हमारे ओवरऑल कहाँ इफ़ेक्ट पड़ता है ना, हमारे एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है। तो हम रिसाइकलिंग क्या होती है, उसी पेपर को जब हम इकट्ठा करके दोबारा यूज़ करने के लायक बना लेते हैं, तो उससे जो पेड़ हैं हमारे, उनको हम सेव कर सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पेपर कलेक्ट करने हैं, थ्रो देम इन द बिन, आपको एक बिन में कलेक्ट करने हैं। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, और इस तरीके से हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं इफ वी ऑल पिच इन, अगर हम सब इस तरीके से इकट्ठा करके उन्हें अंदर पुट करें। से ऐसे ही हमें बॉटल्स को करना है। बॉटल्स प्लास्टिक जो होता है कितना पॉल्यूशन फैलाता है, आपको पता भी है कि हम नो टू प्लास्टिक कैंपेन चलाते हैं, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बिल्कुल ही मना कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है, जिससे कि हमारे लैंडफिल्स भर जाते हैं और ऐसी गैसेस रिलीज करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं। तो रिसाइकलिंग इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, आवर कम्युनिटीज़, आवर इकोनॉमीज एंड आवर अर्थ। इन सब को भी हमें इकट्ठा करके इस लायक बनाना है कि हम उसे दोबारा यूज़ कर सकें, एक जगह इकट्ठा करके उनसे पॉल्यूशन के लिए उन्हें ना छोड़ दें। नेक्स्ट, सेव योर प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स मैंने आपको बताया बेटा कितने हार्मफुल होते हैं, और हमें इन्हें ज़रूर कम से कम यूज़ करना चाहिए,
सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल नो कर देना चाहिए। आप स्कूल में जाते हैं, लंच बॉक्स आपका प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, पानी की बॉटल आपकी प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, जो कैरी बैग होते हैं पॉलिथीन्स वो हमें अवॉइड करने चाहिए, है ना। क्योंकि आपको पता है, अगर हम 10 प्लास्टिक की बोतल्स को रिसाइकिल कर लें, उनको रीयूज कर लें, तो हम उससे इतनी एनर्जी सेव कर सकते हैं कि एक लैपटॉप को मोर देन 25 आवर्स की उससे एनर्जी चार्जिंग मिल जाती है। अगर 10 बोतल्स को हम रिसाइकिल कर लें तो हमारा लैपटॉप 25 घंटे से भी ज़्यादा चल सकता है। तो आपको ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें ही हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद हमें अपनी कैंस को, जो कंटेनर्स होते हैं जिनमें आपके ड्रिंक्स मिलते हैं, है ना, तो उनको भी इधर उधर थ्रो ना करके रिसाइकिल बिन में डाल देना चाहिए। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं रिसाइकिलिंग के, कि हमारी अर्थ सेव होती है सबसे बड़ी बात, एनिमल्स और ह्यूमैनिटी के लिए कितना ज़रूरी है ये सब, क्योंकि अदरवाइज इतने हार्मफुल गैसेस निकलते हैं बेटा इन चीज़ों से, कि जो आफ्टर ऑल हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करते हैं। ओजोन लेयर जो कि हमारी पूरी अर्थ के चारों ओर है, उसकी प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि जब आप उसको कम कंज्यूम करेंगे तो कम ही हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, पॉल्यूशन कम होता है, और अगर रिसाइकलिंग जॉब हम क्रिएट कर दें, है ना, तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 9 टिप्स फॉर लिविंग विथ लेस प्लास्टिक्स। आप प्लास्टिक कैसे कम यूज़ कर सकते हो, अपना बैग आपका कपड़े का होना चाहिए, पानी की बॉटल स्टील वाली होनी चाहिए, पानी प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, आपका अपना कंटेनर कप होना चाहिए, लंच बॉक्स आपका नहीं होना चाहिए वैसा, डिस्पोजेबल स्ट्रॉस और कटलरी आपको नहीं यूज़ करनी, है ना, पेपर वगैरह की जो बनी होती है, कम से कम हमें पेपर और प्लास्टिक को यूज़ करना है। स्किप द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बैग्स, जो आपके सामान लेके आते हैं वो प्लास्टिक बैग्स मत यूज़ कीजिए। स्लो डाउन एंड डाइन इन, घर का खाना खाइए, वो जो बाहर की सब्जियां पैक करके कंटेनर्स देते हैं ना प्लास्टिक में, वो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए, और ग्लास जार्स में अपना सामान रखना चाहिए। और शेयर दीज टिप्स विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, और आसपास सबको इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। जब आप खुद जागरूक होंगे जभी तो औरों को कर पाएंगे ना बेटा। तो अब हमसे फन डूइंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए बोला गया है। देखिए, अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। तो राइमिंग वर्ड्स इस पोयम में आपको पहले भी हमने किया था, जिसमें है ना सिंपल थिंग्स आर बेस्ट, उसमें भी राइमिंग वर्ड्स बेस्ट रेस्ट ऐसे ढूंढे थे। अब इसमें हमें बताने हैं, तो देखते हैं कौन से हैं, जैसे बिन और इन। तो यहाँ पे बेटा ज़्यादा नहीं है इसमें, ये देखिए ये हो गया बिन और ये हो गया इन, यही है इसमें, और कहीं इसमें ज़्यादा राइमिंग वर्ड यूज़ नहीं किए गए, क्योंकि सारी पोयम में सिर्फ एक वर्ड चेंज किया गया, अदरवाइज द सेम स्टेंजा इज यूज्ड, है ना। तो इसमें राइमिंग वर्ड्स भी बिन और इन ही है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे बिन एंड इन, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट। ये बहुत फेमस एक नर्सरी की राइम बेटा, जो कि आपको अब अपने आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया है। तो आइए पहले इस पोयम के बारे में समझते हैं। रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली 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 लाइफ इज बट ए ड्रीम। Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. कितने सुंदर वर्ड्स हैं बेटा। इसका क्या मतलब है, जब आप जैसे बोट चलाते हैं तो आपको पता है कि कभी वो नहर की नदी की धारा ऊपर हमें ले जाती है पानी के, कभी वो एकदम नीचे हो जाती है ना, शांत हो जाती है, तो वो नाव जो होती है हिलती डुलती रहती है। तो उसमें हमें बताया गया है कि आप भी, हमारी लाइफ भी है ना इसी की तरह है, एक कभी उसमें अप्स होते हैं कभी डाउन्स होते हैं। आपको भी अभी आप छोटे हैं लेकिन आपको भी ये बात पता है, हमें भी फेस करनी पड़ती है, हमारी फैमिली में भी कभी कितने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कभी कोई बिल्कुल हम हैप्पी मूड में रहते हैं, ऐसे ही चलता रहता है ना, कभी अप कभी डाउन। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए,
क्या करना चाहिए हमें? मैरिली मैरिली मैरिली, हमेशा हैप्पी उसमें रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज बट ए ड्रीम, जैसे सुंदर होते हैं ना, इस तरीके से हमें उसको लेना चाहिए। और हमेशा पॉजिटिव और अच्छे एटीट्यूड हमें अपना रखना चाहिए, कि हम हमेशा हर चीज़ से, हमें ये पता हो कि ये सिर्फ थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, समटाइम्स लेटर इट विल बी ऑल ओके। तो हमेशा हमें कीप गोइंग मूड में रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए कि जो हमारा एम है, हमारा टारगेट है, वो तो हमें अचीव करना ही करना है, चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आए। तो इसका क्या, देखिए अब इसको भी आपने उसी रिदम में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना है, रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम। तो आई होप कि आपको अच्छा भी लग रहा है और आपको समझ भी आ रहा है, और अपनी वीडियो बनाइए बेटा, अपने टीचर्स के पास भेजिए। कीप गोइंग विथ योर लाइफ विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, नो मैटर हाउ मेनी डिफिकल्टीज यू आर मीटिंग, सो ऑलवेज स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव, एन्जॉय योर लाइफ फुल्ली, है ना। और अपने आसपास भी सबको हिम्मत दीजिए, कभी भी हिम्मत हमें हारनी नहीं है, कभी भी नहीं। अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा था, ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय कीजिए, इसे गाइए, और आपको इसके लिरिक्स भी, आपको वर्डिंग्स मिल गए हैं, है ना, मैंने आपके पास जो भेजा है, इसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए। नोटिस दैट ऑल द स्टैंजर्स, स्टैंजर्स क्या होते हैं, पैराग्राफ बेटा, हैव जस्ट वन वर्ड, जो अभी इसने हमें पोएम एनवायरमेंट के ऊपर बताई थी उसमें सिर्फ एक वर्ड डिफरेंट था, बाकी सब स्टैंजर टोटली सेम था। अब उसने कहा कि एड वन मोर स्टैंजर टू द पोएम रिप्लेसिंग द लास्ट वर्ड इन द लाइन वन, जैसे उसने यहाँ पेपर बोला, प्लास्टिक बोला, बॉटल्स बोला है ना, तो आप अपनी तरफ से कुछ चेंज कीजिए। तो उसने हमें एग्जाम्पल दिया है कि पेपर को स्ट्रॉस से चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो भी तो प्लास्टिक के बने होते हैं ना, तो हमें वो भी उसने करने हैं और उसको रिसाइकल बिन में भी डालना है। तो ऐसे ही हम अपने कार्टन्स, जैसे मिल्क का पैकेट आता है बेटा, ऐसे आते हैं ना आजकल जूसेस वगैरह के भी, और मिल्क इस पैकिंग में आता है, तो ये जो कार्टन्स कहलाते हैं इन्हें भी हमें इधर उधर थ्रो नहीं करना है, और इसको भी यूज़ करके रिसाइकल बिन में डाल देना है। न्यूज़पेपर है आपके, कार्डबोर्ड है, गत्ता है ना, तो इन सबको भी यहाँ अपनी पोएम में आप इसका वर्ड यहाँ चेंज करके, और इसको गाते हुए दोनों पोएम्स को बेटा अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, और इसका जो रियल पर्पस है वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताइए। आई होप कि आपने आज की एक्टिविटीज़ खूब एंजॉय की होगी, और इसका मैसेज भी आपको क्लियर समझ आया होगा कि ये हम से क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों पोएम्स इतनी ब्यूटीफुल हैं बेटा, और आप सब में अपना इसका जो हिंदी मीनिंग आपको मैंने समझाया, सबको अपने फैमिली मेंबर्स में भी बताइए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।